गाइस कि आपका वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो गया है, या फिर समय से पहले आपकी स्किन पर बुढ़ापा आता जा रहा है, आपकी लिप्स, आपका पूरा माउथ एरिया बहुत ज्यादा डार्क हो गया है, आपका स्किन एकदम रूखा सूखा बेजान हो चुका है, ऐसा लगता है कि कभी ग्लो था ही नहीं और कभी आएगा ही नहीं। इनमें से अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। ये मैं आपको चैलेंज करती हूँ और कौन कौन मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये है 1 मंथ चैलेंज और ये चैलेंज सीरियसली आपके बच्चे की जिंदगी, आपकी जिंदगी, आपके पेरेंट्स की जिंदगी को भी बदल देगा जो इस वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद फॉलो करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है दिल से थैंक यू बहुत ज्यादा। लाइक करें वीडियो को क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा कुछ नया लाती हूँ, आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। इसके साथ साथ वीडियो को जमकर शेयर करिएगा और साथ में इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा अकाउंट है @ishamehra। गाइस आज मैं बात कर रही हूँ नाभि के बारे में। जी हाँ, आपको पता है नाभि हमारे पूरे शरीर का केंद्र बिंदु होती है। अगर नाभि हमारी ठीक है यानी हमारा पेट अगर ठीक है तो हमें मोटापा भी नहीं आएगा, बुढ़ापा भी नहीं आएगा, बाल भी नहीं झड़ेंगे, जॉइंट्स में दर्द भी नहीं होगा और हम पूरा टाइम बहुत एक्टिव रहेंगे। अब नाभि को ठीक कैसे रखा जाए चलिए वो भी देख लेते हैं। नाभि में रोजाना आपने सोने से पहले 3 से 4 बूंदे इस तरीके से ड्रॉपर की हेल्प से अपनी नेवल में डालना है और बिल्कुल सीधा लेट जाना है कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद आपने अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ आपने सर्कुलर मोशन में अपने नाभि के आसपास मसाज करनी है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेगा, जो इसमें हम ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो या तो सरसों का हो या फिर देसी घी और उसको हल्का सा आपने कोसा कर लेना है, इतना ज्यादा नहीं कि आपकी स्किन जल जाए, बहुत नॉर्मल कोसा है ना, हल्का सा गुनगुना। और उसके बाद आप देखना जब आप इसको मसाज करने के बाद 15 मिनट उठेंगे या तो फिर सो ही जाइएगा वो ज्यादा बेहतर है, तो आप जब सुबह उठेंगे आपकी स्किन पहले से ज्यादा ग्लो कर रही होगी, आपका जो हेयर फॉल है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा, आपका मोटापा कम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि नाभि हमारे पूरे शरीर का केंद्र बिंदु होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे नाभि से बालों का क्या लेना देना, नाभि से मोटापे का क्या लेना देना। देखिए एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत आसान सा समझ आ जाएगा। एक पेड़ है या एक पौधा है तो आप उसके पत्तों को आप पानी देते हैं या उसकी जड़ को, हमेशा जड़ को है ना, पत्तों को पानी देंगे तो क्या होगा, वो आखिरकार सूख जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बालों पर ऑयलिंग करते हैं, फेस पे बहुत तरह के महंगे महंगे फेशियल करवाते हैं, पैक लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा स्किन ड्राई और डल लगने लगता है कुछ दिनों बाद जब उसका असर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने शरीर की जड़ को अगर आप मॉइस्चर देके रखेंगे, उसको नमी देकर रखेंगे, उसमें तेल की बूंदें डाल के रखेंगे, तो ये ना तो आपके लिप्स को काला पड़ने देगा, ना चैप्ड होने देगा, ना ही फटने देगा, और ना ही आपकी स्किन पे एजिंग आएगी और ना ही आपके बाल जल्दी झड़ेंगे या फिर सफेद होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अब बात करते हैं मोटापे के बारे में कि मोटापे को कैसे कम करेगा। आप देखिए अगर आपका पेट बिल्कुल ठीक रहता है तो आप पूरा दिन बहुत एक्टिव फील करते हैं। अगर आपका डाइजेशन अच्छा होगा जब आप नाभि में तेल डालते हैं तो वो आपके पेट को टारगेट करता है, ठीक है, आपका डाइजेशन को सुधारता है। तो जो भी आप आज तक खा रहे थे, पहले जो आपके शरीर में सड़ रहा था और सड़ने की वजह से आपके फैट के रूप में कन्वर्ट हो रहा था, वो आपको डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब खाना आपको पचेगा उससे मिलने वाली एनर्जी आपको मिलेगी तो आप पूरा दिन पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव फील करेंगे, ठीक है, और साथ में आपके शरीर में जितना भी जमा हुआ फैट था वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। आपकी स्किन पर एक अलग ही रौनक आ चुकी होगी, बच्चों की तरह आपकी स्किन सॉफ्ट हो चुकी होगी, जिसके लिए आपको कोई महंगे फेशियल नहीं करवाने पड़ेंगे, मोटापा आपको वैसे ही आपसे दूर भाग जाएगा और ये साथ में आपकी इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाएगा। अगर अभी तक आपको खट्टी डिकानों की शिकायत थी, आपको पेट फूलने की, गैस बनने की, अपचन की शिकायत थी, तो ये उन सारी प्रॉब्लम को भी दूर करेगा। आप सुबह उठकर इतने अच्छे से फ्रेश हो पाएंगे कि जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। तो जो भी आपके शरीर में गंदगी थी वो बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगी और आपका शरीर अंदर से क्लीन हो जाएगा। तो आज से ही मेरे स्टेप को फॉलो करके देखें, अपने बच्चों के नाभि में तेल की 4 बूंदें जैसे मैंने आपको दिखाई हैं सेम ऐसे ही डालें,
सेम ऐसे ही मसाज करें और उनको आराम से बहुत प्यारी सी नींद लेने दें, फिर देखिए इसका कमाल, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप और बेहतरीन सी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपका एक लाइक ना बहुत ज़्यादा खुशी देता है मुझे और नेक्स्ट टाइम कुछ और बेहतर लाने की प्रेरणा पैदा करता है मेरे अंदर। तो मिलते हैं हंसी खुशी के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।